हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के, एक छोटी कंपनी की जो काफ़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, काफ़ी वेल्थ रिवॉर्ड भी की है और नीचे के लेवल से वेल्थ को बनाया भी है। तो बात करते हैं जयप्रकाश एसोसिएट की, जेपी एसोसिएट की। तो देखते हैं किस टाइप से इसने काम किया है, क्या इसके रिजल्ट्स आए थे अभी, और कितना ये प्राइस ऊपर से नीचे आया है, और क्या आने वाले टाइम में ये कुछ पैसा बना के दे सकता है, किस टाइप के ट्रेडर को लेना चाहिए या इन्वेस्ट करके इसके अंदर रखना चाहिए, कैसे इसके फंडामेंटल है, और क्या फंडामेंटल के बेस पे लेना चाहिए या टेक्निकल बेस पे इसे कुछ ट्रेड लेना चाहिए। तो देखते हैं टेक्निकल बेस पर भी और फंडामेंटल बेस पर भी किस टाइप से ये स्टॉक जो है काम कर रहा है। तो ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी देखेंगे, चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, वीकली चार्ट पे भी और डेली चार्ट के ऊपर भी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्राइस है वो किस टाइप से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 6.99 का था और ओपन होता है 7.01 पर, और हाई बनाता है 7.06 का, लो बनाता है 6.74, और ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास ये बंद होता हुआ आपको नजर आएगा 6.77, 3.15% की गिरावट के साथ। इसके बाद आप देखेंगे जो 52 वीक हाई है इसका 8.89 है, और जो 52 वीक लो है 1.05 है। जैसे मैंने बताया, नीचे के लेवल पर जिसने लिया उसके लिए वेल्थ जरूर क्रिएट करके दी होगी, और जिन्होंने हाई पर ले रखा होगा उनकी काफ़ी इरोड भी की होगी। अगर 5 ईयर्स का आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर से स्टॉक जो है नीचे आया हुआ है, 30 रुपये के आसपास था, और मैक्सिमम को आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है आप देख सकते हैं 300 से भी ऊपर काम किया करता था। तो जिसने 1 रुपये के आसपास यहाँ पर लिया होगा उसके लिए अच्छा होगा, जिसने ऊपर के लेवल पर लिया उसके लिए बिल्कुल बुरा होगा। तो 5 दिन का अगर देखें तो ये स्टॉक था 7.4 के आसपास इसने ऊपर बनाया था और अब बिल्कुल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 1 मंथ को देखेंगे तो 8.47 के आसपास था, अब फिर नीचे आता हुआ ये नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल देखते हैं किस टाइप के फंडामेंटल्स हैं। 1642 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। ROCE देखेंगे तो माइनस में है 6.99%, ROE देखेंगे तो भी माइनस में है -184%, बुक वैल्यू 5.75 की है, ये पॉजिटिव है, प्लस है, और शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया 6.75 के आसपास काम कर रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आती है 1.17 के आसपास है, एक्सपेंसिव नहीं है, बुक वैल्यू के आसपास ही ये काम कर रहा है। फेस वैल्यू 2 की है और डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। EPS 8.02 की जरूर दिखाई देगी, बट किस लिए है वो भी हम बुक्स के ऊपर चेक करेंगे। इंडस्ट्री पी 17.4 की है, बट यहाँ पर आपको पी इसकी नज़र नहीं आएगी। प्लज किए हुए हैं शेयर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखेंगे कैसा है, और उसमें से जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 20.1% प्लज की हुई है। डेट इस कंपनी का एक मेजर कंसर्न रहा है स्टार्टिंग से ही, जो 17,115 करोड़ का इसके ऊपर डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, 12.2 डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, जो कि काफ़ी हाई नज़र आता है। तो जयप्रकाश एसोसिएट डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और जो प्रिंसिपल इनकी एक्टिविटीज हैं वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है और रियल स्टेट डेवलपमेंट की है। इसके बाद आप देखिए ये शेयर जो है 200 DMA से ऊपर नजर आएगा आपको, जब इसने 19 जून को 1.95 रुपये का लेवल क्रॉस किया था तो उसके ऊपर ये स्टॉक जो है बना हुआ है। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अगर देखें तो सेल्स थी 1440 करोड़ के आसपास निकल कर आई है, जो पहले 1317 करोड़ की थी, और उससे पहले ईयर ऑन ईयर देखें पिछले दिसंबर में तो 1773 की थी, वहां से जो सेल है वो डाउन होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद एक्सपेंसिव देखेंगे 1366 करोड़ के एक्सपेंसिज हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो पिछले क्वार्टर में थे 1429 के थे वहाँ से जरूर कम हुए हैं, और दिसंबर क्वार्टर जो लास्ट ईयर का था वहाँ से भी एक्सपेंसिज कम होते नजर आ रहे हैं 2430। इसकी वजह से क्या है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक्सपेंसिज इन्होंने अपने कम किए हैं, दोनों क्वार्टर से, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, वहाँ से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 74 के प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ के माइनस में थे, उससे पहले 657 करोड़ माइनस में थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो -37% था दिसंबर 2019 में, और पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में -9% था, पॉजिटिव है 5% के आसपास का। डेट एक मेजर कंसर्न जैसे मैंने बताया, उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं 237 करोड़ का पहले पे करते थे दिसंबर 2019 में, 237 करोड़ का ही लास्ट क्वार्टर में किया, और अब यहाँ पर 10 करोड़ ये भी बढ़ता हुआ 247 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर इनकम जिसकी वजह से ये क्वार्टर एक जो क्वार्टर था प्लस में दिया था, आप देखिए सभी क्वार्टर्स में उनके माइनस में ही है रिजल्ट, सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वार्टर प्लस है जो कि अदर इनकम की वजह से आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज जो है सभी क्वार्टर जो है इनके माइनस में ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि
यहाँ पर जो इंटरेस्ट बर्डन है थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। अदर इनकम्स जो है एक ही क्वार्टर में ज्यादा दिखाई दी, बाकी में अदर इनकम भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो नेट प्रॉफिट जो है अभी 298 करोड़ का माइनस में इन्होंने दिया है, पिछले क्वार्टर में 457 का माइनस में था और दिसंबर 2019 में 874 करोड़ का माइनस में था। लॉस में है बट लॉस थोड़े से कम जरूर किए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा प्लस में आया है एक्सपेंसिस कम करने की वजह से। अगर ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो जो इनके प्रॉफिट्स हैं मार्च 2020 जो इन्होंने पॉजिटिव क्लोज किया था बट 2021 पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तीन क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो माइनस में है, -330, -457 और -298। जो मार्च 2020 एनुअल क्लोजिंग जो की थी वो इसकी वजह से इनकी पॉजिटिव यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो बंद होती हुई नजर आई है। तो 2021 जो है एक क्वार्टर अभी बचा हुआ है बट यहाँ पर माइनस में ही आते हुए नजर आएगा। अब देखिए पहले ये कंपनी प्लस में थी, प्लस के रिजल्ट्स देती थी, 2014 के बाद से जो है माइनस के रिजल्ट्स देती हुई ये आपको लगातार नजर आ रही है, सिर्फ मार्च 2020 में प्लस के रिजल्ट्स इन्होंने दिए थे। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट बर्डन काफी ज्यादा है, जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि माइनस में होता हुआ नजर आ रहा है एनुअल बेस पे, तो वहां से इंटरेस्ट बर्डन जो है काफी ज्यादा है, वहां से ये प्रॉफिट्स भी आपको माइनस में होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बुक्स पे देखें डेट किस टाइप से नजर आती है, 19,480 करोड़ की 2009 में थी, तो अब देखिए 17,000 के आसपास की अभी भी इनके बुक्स में डेट नजर आएगी सितंबर 2020 में, जो कि एक लेवल के ऊपर 75,000 करोड़ के आसपास भी पहुंच गई थी। इसके बाद एनसीएलटी और रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करके काफी कम हुआ है बट स्टिल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह इतने नजर नहीं आ रहे हैं। रिजर्व्स जो 6,157 के थे अब सिर्फ 912 के रह गए हैं। शेयर कैपिटल काफी बड़ी हुई है, 280 से 486 के आसपास की है, और एसेट्स देखेंगे 31,567 से 36,000 के आसपास के एसेट्स इनके बने हैं। अदर लाइबिलिटीज भी 5,694 की जो थी अब 17,486 के आसपास नजर आ रही है। तो बुक्स में जो डेट्स हैं और अदर जो इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका डेटा डेज देखेंगे वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 85 जो हुआ करते थे 120 के आसपास हैं। डेटा डेज का मतलब है जो ये सर्विसेज अपने देते हैं आगे, तो उनकी जो मनी सर्कुलेशन है वो जो पैसा आता है वो 120 दिन में ऑन एन एवरेज आता है इनके पास। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 38.66 की है और FII 1.22 के आसपास है, DII की 1.85 के आसपास है, गवर्नमेंट के पास 0.82 है और पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 57.46 के आसपास का स्टेक है। तो पब्लिक के पास काफी ज्यादा स्टेक है। माउंट इंफ्रा देखें तो 1.06 के आसपास है, रेस्ट जो है ऑलमोस्ट 56 के आसपास जो है जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग है इसकी। अगर चार्ट के ऊपर देखें, वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है और जीरोधा का चार्ट है, एक कैंडल जो है 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है उसके ओपन हाई लो क्लोज को। तो यह शेयर पहले भी हमने इस पे वीडियोज बनाए थे और ये बताया था कि ये शेयर जो है इस लेवल के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 8.5 8.6 के आसपास, जो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं और ये जो लेवल आता है ऑलमोस्ट आपका जो लेवल है इस लेवल के आसपास भी ये शेयर जो है 8.45 के आसपास गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैं कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ, 8.45 का हाई बनाया था 24 सितंबर 2018 को और अगेन इसने यहाँ पर बनाया था 4 जनवरी को 8.85 का, बट वहाँ से फिसलता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये 8.85 के आसपास का और जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम ये ऊपर की तरफ दे सकता है, जो कि इसे 13-14 के लेवल तक भी ले जा सकता है, बट उसके लिए थोड़े से रिजल्ट्स अच्छे चाहिए या मोमेंटम अच्छा चाहिए, तो उसके बाद ही ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एक रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पर, और लो साइड की हमने एक ट्रेंड लाइन पहले भी ड्रॉ की थी और ये बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को शॉर्ट टर्म की जो एक गिरावट थी या डाउन ट्रेंड इसके अंदर दिखाई दे रहा था उसको इस कैंडल के साथ जब इसने क्रॉस किया था तो एक अप ट्रेंड के अंदर जरूर दिखाई दे रहा था, और इस लाइन का जो नीचे का ब्रेक है अब ये इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट मानता हुआ चल रहा है। तो इस टाइप से आपको ये चार्ट दिखाई देगा और अगर डेली बेस के ऊपर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। अब जो है जो शेयर का रिजल्ट देने के बाद आप देख सकते हैं ये एक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर और डाउन आता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो जो इमीडिएट लो बनता है वो 6.2 के आसपास का बनता है, 6 to 6.2 इस लेवल के आसपास ये स्टॉक जो है बिल्कुल आ सकता है। तो देखना होगा पहले ये जो लेवल है
जो कि 6.4 के आसपास का बनता है, देन 5.9 के आसपास का बनता है। तो किस पॉइंट के ये स्टॉक जो है रुकता है और कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ही इसे लेना चाहिए। छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है, सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर ही इसके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाया जा सकता है टेक्निकल के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती है, डेट एक मेजर कंसर्न है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे नहीं है कि बहुत ज्यादा टर्न अराउंड कर सके यहां से। तो जब तक फंडामेंटल ठीक नहीं होते बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर। अगर स्टॉक नीचे आता है और कंसोलिडेट करता है 6 रुपए आसपास या 6 रुपए 40 पैसे के आसपास, तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ पैसा लगाया जा सकता है। यहां से डाउन साइड रिस्क कम होना चाहिए और अपसाइड रिवार्ड अच्छे होने चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका 8.6 8.85 ये जो कैंडल है ये इसका रेजिस्टेंस है 8.85 के आसपास का। तो इसको अगर ये क्रॉस करता है उसके बाद ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है, बट नीचे के लेवल पर अगर लेते हैं और स्टॉक इस लाइन को दोबारा जरूर टच करता हुआ आपको नजर आएगा आने वाले टाइम में, तो इतने पॉइंट के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, पर बाय ऑन डिप ही होगा और सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर ही होगा, फंडामेंटल कुछ भी इस कंपनी के अभी अच्छे नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।